यूपी के बहराइच में पिछले 60 दिनों से भेड़ियों का आतंक जारी है। आदमखोर भेड़िए इंसानों पर हमला बोल रहे हैं और अब खंडवा में भी भेड़ियों की दहशत है। भेड़िए ने यहां 5 लोगों को शिकार बनाया, देखिए आप भी। यूपी के बहराइच में बीते कई दिनों से भेड़ियों की दहशत जारी है और अब एमपी में भी खूंखार भेड़िए आतंक मचाने लगे हैं। यूपी के बाद अब एमपी में भेड़िए का खौफ है। खंडवा के मलगांव में भेड़िया शिकार पर निकला है। यहां भेड़िए ने 5 लोगों पर हमला बोल दिया, किसी को हाथों में काटा, किसी का सिर फूट गया। अफरा तफरी का माहौल था। आधी रात के बाद हुए हमले से लोग दहशत में आ गए, इलाके में हड़कंप मच गया। इसके बाद लोग एकजुट हुए और भेड़ियों को पकड़ने की ठानी। कोशिश कामयाब हुई, भेड़िया पकड़ में आ गया। भेड़िया के हमले में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। भेड़िया तो पकड़ा गया लेकिन लोग अभी भी डरे हुए हैं। प्राथमिक जांच में जो फोटोग्राफ हमें प्राप्त हुए उसमें वन्य जीव की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, परंतु जो ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि सुबह 5 से 6 बजे के समय प्रातः वो लोग बाहर सो रहे थे, उस समय उनके द्वारा हमला किया गया। एक महिला के सिर पर चोट आई है, उसके अलावा किसी की बाहों में, किसी के हाथों पर काटा है और वो भाग गया, ये बताया जा रहा है। मामले की छानबीन के लिए हमारा स्टाफ मौके पर पहुंच चुका है। ऐसे जांच के बाद में जो भी तथ्य सामने आते हैं हम आपके सामने रखेंगे। एक भेड़िए को तो पकड़ लिया गया लेकिन क्या इलाके में सिर्फ एक ही भेड़िया है? यूपी में भेड़ियों का पूरा झुंड उत्पात मचा रहा है। बहराइच से जो तस्वीरें आ रही हैं, लोग उन्हें देखकर डर रहे हैं। यहां पिछले 60 दिनों में आदमखोर का आतंक लगातार जारी है। इन भेड़ियों के मुंह इंसान का खून लग चुका है, जिसके बाद वो और भी घातक हो गए हैं। खूनी भेड़िया ने बहराइच में एक बार फिर 8 साल के एक बच्चे पर हमला किया है। ग्रामीणों के शोर मचाने पर बच्चे को छोड़कर भेड़िया भाग गया। बहराइच के 50 गांवों में आदमखोर भेड़ियों की तलाश जारी है। इस बीच वन विभाग के ड्रोन में भेड़िया कैद हुआ है। बहराइच के आसपास के गांवों में ड्रोन से भेड़िए की तलाश जारी है। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने में जुटे वन विभाग के हाथ अब तक खाली हैं। ऑपरेशन आदमखोर के लिए प्रशासन ने कई एक्सपर्ट की टीम लगाई है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए नया प्लान तैयार किया गया है। बहराइच में भेड़िए बहुत तेजी से लोकेशन बदल रहे हैं और लगातार हमले कर रहे हैं। शातिर भेड़ियों को पकड़ने के लिए रात भर गश्त की जा रही है। न्यूज 18 इंडिया के कैमरे में कल यानी गुरुवार की शाम को ये तस्वीर कैद हुई। इसमें 2 भेड़िए कैमरे पर देखे जा सकते हैं। ये दोनों भेड़िए न्यूज 18 इंडिया की टीम को बहराइच के पूरे प्रसाद गांव में स्पॉट हुए हैं। सबसे हैरान करने वाली बात है कि दावा किया जा रहा है कि इलाके में 6 भेड़िए दिखे थे, जिसमें से 4 को पकड़ लिया गया, 2 अभी पकड़ से बाहर हैं और उनमें से एक भेड़िया लंगड़ा है। लेकिन न्यूज 18 इंडिया के कैमरे में गुरुवार को जो 2 भेड़िए नजर आए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। इन दोनों में लंगड़ा भेड़िया नहीं है। ऐसे में कहा जा रहा है कि 2 से ज्यादा भेड़िए बहराइच के गांवों में हमलों को अंजाम दे रहे हैं। खंडवा में भी लोग डरे हुए हैं, उन्हें डर है कि इलाके में और भेड़िए भी हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जैसे जंगलों से निकलकर गांवों में, खेतों में और अब शहरों की तरफ भेड़िए बढ़ रहे हैं। 60 दिनों से ऑपरेशन चल रहा है लेकिन आदमखोर भेड़ियों के आतंक का अंत अब तक नहीं हो सका है, तो खंडवा में भी भेड़ियों की तलाश की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। उमरिया के एक स्कूल ने अजब कारनामा किया। स्कूल में एडमिशन के वक्त बच्चों के माता पिता के नाम लिखे जाते हैं लेकिन इस स्कूल ने माता पिता की जगह दादा दादी के नाम लिख दिए, जिसके बाद छात्र और परिजन परेशान हैं। नाम किसी इंसान की पहचान होती है लेकिन कानूनी पहचान के लिए माता पिता का नाम भी जरूरी है। स्कूल में एडमिशन से लेकर नौकरियों के आवेदन तक, वोटर आईडी से लेकर आधार कार्ड तक, हर जगह खुद के नाम के साथ माता पिता के नाम की जरूरत पड़ती है। ज्यादातर सरकारी फॉर्म में माता पिता के नाम का कॉलम रहता है। अगर किसी सरकारी कागज में माता पिता का नाम गलत हो तो काफी परेशानी हो जाती है। उमरिया का ये स्कूल देखिए, स्कूल ने अजब खेल कर दिया, बच्चों के माता पिता के नाम ही चेंज कर दिए। स्कूल में एडमिशन के वक्त छात्रों के माता पिता का नाम लिखने की जगह उनके दादा दादी का नाम दर्ज कर दिया गया। दादा दादी को कागजों में बच्चों का माता पिता बना दिया गया। दादा और दादी का नाम है, मम्मी पापा का नहीं। गड़बड़ी यही है, नाम नहीं है उसमें रजिस्टर में। पिता का नाम किसका है उसमें? पिता के नाम वो दीनदयाल रजक का है। पिता मेरे पिताजी के नाम है, बाबा के नाम। मतलब पिता की जगह बाबा का नाम? बाबा के नाम है। तो क्या सुधार नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। स्कूल में
ये जो रिकॉर्ड है उसमें दादा और दादी का नाम चढ़ा है। किसकी बात कर रहे हो? ये स्नेहा साहू की बात। ये आपकी बेटी है? जी। अच्छा, इसके माता पिता की जगह ये दादा दादी का नाम चढ़ा है। उमरिया के चांदपुर गांव के सरकारी स्कूल ने कारनामा किया है। किसी एक छात्र के माता पिता के नाम के साथ ऐसी गलती होती तो माना जा सकता था कि गुरुजी से गलती हो गई, लेकिन यहां तो स्कूल के आधे से ज्यादा छात्रों के माता पिता के नाम गलत लिखे गए। स्कूल में 100 से ज्यादा छात्र हैं, जिनमें से 60 छात्रों के माता पिता के नाम की जगह उनके दादा दादी का नाम लिख दिया गया। छात्रों की पढ़ाई जारी रही, ये क्लास 1 से 8वीं तक पहुंच गए। वो तो भला हो स्कूल में आए नए हेडमास्टर जेपी सोनी का, जिन्होंने प्रभार लेते ही गलती पकड़ ली और छात्रों के नाम उनके माता पिता के नाम, जन्म तिथि, आधार, समग्र और खाता नंबर में गड़बड़ी की ना सिर्फ पुष्टि की बल्कि इसे दुरुस्त करने उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन भी मांगा। एजुकेशन पोर्टल पर शिक्षा सत्र 2023-24 में जो दर्ज वर्तमान सत्र में अध्ययनरत 113 छात्रों का मैंने मिलान किया, उसमें से लगभग 60 छात्र ऐसे निकले जिनकी जन्म तिथि, माता पिता या कि छात्र के नाम कुछ ना कुछ अंतर पाया गया। पूरे मामले में जब सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख से चर्चा की गई तो वो भी दंग रह गए। जल्द ही जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर रिकॉर्ड दुरुस्त कराने का भरोसा दिया गया है। जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर ही उनके स्कॉलर में समस्त रिकॉर्डों की एंट्री हो जाएगी और उसी के आधार पर उनके समग्र आईडी और आधार के सुधार के लिए प्रक्रिया के लिए मेरे द्वारा आदेशित किया जाएगा। स्कूल में आखिर ऐसे गलती कैसे हुई? 60 छात्रों के माता पिता के नाम कैसे गलत लिखे गए? उम्मीद है अधिकारी जल्द ही नाम ठीक कर लेंगे। दादा दादी की जगह बच्चों के माता पिता के नाम लिख दिए जाएंगे। विजेंद्र तिवारी, News 18, उमरिया। यूपी में अमरोहा के एक स्कूल में नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चे का नाम काटे जाने पर बवाल बढ़ गया। स्कूल के प्रिंसिपल ने नॉनवेज लाने पर नर्सरी में पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चे का नाम स्कूल से काट दिया था। स्कूल के प्रिंसिपल ने दावा किया कि बच्चे ने स्कूल में सभी बच्चों को मुसलमान बनाने की बात कही थी, जिसके बाद स्कूल से बच्चे को सस्पेंड कर दिया गया और इस घटना के बाद बवाल बढ़ गया। बच्चे के परिजनों ने प्रिंसिपल पर एक्शन की मांग की। बच्चे के परिवार को जानने वाले प्रिंसिपल पर एक्शन की मांग को लेकर डीएम ऑफिस पहुंचे, जबकि कांग्रेस के नेता मेराज हुसैन परिवार से मिलने पहुंचे। स्कूल में नॉनवेज लेकर आया छात्र, फोन करना था या नहीं? संस्कार वाले बच्चों को हमें नहीं पढ़ाना सर, 3 महीने से हमारे है ना, मंदिरों को तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, तोड़ेंगे, सुनिए, हम बच्चों को तोड़ेंगे और नॉनवेज लेकर के आएंगे। स्कूल के प्रिंसिपल ने छात्र को सस्पेंड कर दिया। बच्चा आपका कह रहा है इस चीज में नॉनवेज लेकर के आता हूँ, मैं सबको नॉनवेज ला करके मुसलमान बनाऊंगा, ये बच्चा कहता है आपका। यूपी के अमरोहा में नर्सरी में पढ़ने वाले एक मुस्लिम बच्चे का नाम स्कूल से काट दिया गया। स्कूल के प्रिंसिपल ने दावा किया कि बच्चा स्कूल में नॉनवेज लेकर आया था, बच्चों को नॉनवेज खिलाकर मुसलमान बनाने की बात कह रहा था। बताया गया कि इसके बाद बच्चे की मां स्कूल पहुंची थी, बच्चे का नाम स्कूल से काटने पर प्रिंसिपल से सवाल पूछे थे, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। आपको सुनना चाहिए कि प्रिंसिपल ने नाम काटने की क्या वजह बताई। क्लास में नहीं आपके बच्चों को पढ़ाना, हमें फोन करना था या नहीं? संस्कार वाले बच्चों को हमें नहीं पढ़ाना सर, 3 महीने से हमारे है ना, मंदिरों को तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, तोड़ेंगे, सुनिए, हम बच्चों को तोड़ेंगे और नॉनवेज लेकर के आएंगे। आपने कई बार नॉनवेज भेजा है, बच्चा आपका कह रहा है इस चीज में नॉनवेज लेकर के आता हूँ, मैं सबको नॉनवेज ला करके मुसलमान बनाऊंगा, ये बच्चा कहता है आपका। बच्चे का नाम स्कूल से कटने के बाद उस इलाके में टेंशन बढ़ गई जहां बच्चा और उसका परिवार रहता था। परिवार के लोग प्रिंसिपल पर एक्शन की मांग को लेकर डीएम ऑफिस पहुंचे। कांग्रेस के नेता मेराज हुसैन परिवार से मिलने पहुंचे। तो वीडियो में प्रिंसिपल ऐसा कह रहा है ना? हाँ, हाँ, प्रिंसिपल पता है क्यों आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर? हाँ, हमारे भी समझ में नहीं आ रही। 2 तारीख को बच्चा स्कूल गया, ठीक है, तो इनको असेंबली तो हो गई थी, असेंबली के बाद इन्हें बुलाया, पहले पता नहीं मारा है, जो भी करा हो इन्होंने, इसकी वीडियो बनाया। बच्चे के परिवार ने स्कूल पर बच्चों से भेदभाव का आरोप लगाया है और दावा किया है कि स्कूल में हिंदू मुसलमान जैसी बात होती है। उधर स्कूल के प्रिंसिपल ने आरोप लगाया कि नर्सरी का छात्र बाकी बच्चों को परेशान करता है। बै-
बेंगलुरु में ऑटो ड्राइवर ने दो लड़कियों के साथ बदसलूकी की और इस घटना का वीडियो भी सामने आया। दरअसल लड़कियों ने ऑटो बुक किया था लेकिन बाद में राइड कैंसिल कर दी गई थी और इसकी वजह से ऑटो चालक गुस्से में आ गया और उसने थप्पड़ भी मार दिया। ये रिपोर्ट देखिए। आप चिल्लाइए मत और गाली मत दीजिए, ठीक है? ये फालतू चीज़ मत बोलिए मुझे। आपका फोन नंबर है, आपका गाड़ी नंबर है, हम कंप्लेन कर देंगे। थप्पड़ क्यों मारा मुझे? सड़क पर हंगामा मचा हुआ है। एक ऑटो ड्राइवर बुरी तरह आग बबूला है। आप चिल्ला क्यों रहे हो? ऑटो पर बैठी लड़कियों से बदसलूकी पर उतर आया। हाईटेक सिटी बेंगलुरु से ये हैरान करने वाली घटना सामने आई, जहां एक ऑटो ड्राइवर ने दो लड़कियों से अभद्रता कर दी। क्या हो गया तो कर दिया? आप कैंसिल नहीं करते कभी हम लोग का राइड? आप लोग नहीं करते? कैंसिल किया है ना, तो हमारी क्या गलती हो गया? दो तो और क्या हो गया? रुक, आज चल पुलिस स्टेशन को। मैं क्यों जाऊँ? मेरी मर्जी, मेरे को जाना होगा मैं जाऊंगी, मेरे को नहीं जाना होगा नहीं जाऊंगी। मैं अलग पुलिस स्टेशन जाऊंगी, मैं आपके साथ क्यों जाऊँ? आपका फोन नंबर है, आपका गाड़ी नंबर है, हम कंप्लेन कर देंगे। दरअसल दो लड़कियों ने ऑटो बुक किया था लेकिन बाद में उन्होंने किसी वजह से राइड को कैंसिल कर दिया। जिस जगह पर ऑटो चालक को बुलाया गया था वो वहां पहुंच गया। लड़कियां दूसरी ऑटो में बैठ गई थी। इसके बाद तो उसने अपना आपा पूरी तरह खो दिया। हम कंप्लेन कर देंगे। राइड कैंसिल होने पर ऑटो ड्राइवर बुरी तरह भड़क गया। वो दूसरे ऑटो में बैठी लड़कियों से झगड़ा करने लगा, उन पर जोर से चिल्लाने लगा। लड़कियों ने उससे पुलिस में शिकायत करने की बात कही तो ऑटो ड्राइवर ज्यादा आक्रोश में भर गया। इसके बाद तो वो लड़की से फोन भी छीनने लगा। आरोप है कि इस दौरान लड़की को थप्पड़ भी लग गया। कंप्लेन कर देंगे। आप चिल्ला क्यों रहे हो? गैस यहीं पे था भैया, 1 मिनट दूरी था आपका ऑटो। आप चिल्लाइए मत और गाली मत दीजिए, ठीक है? ये फालतू चीज़ मत बोलिए मुझे। और क्या करती है? मैं पुलिस के पास जाऊंगी। आ जाओ, चल पुलिस के पास चल। बात संभलने की जगह बिगड़ती चली गई। वहां पर मौजूद लोग भी उसे समझाने की कोशिश करने लगे लेकिन उसके ऊपर तो असर ही नहीं हुआ। बाद में लड़की ने उससे थप्पड़ मारने की वजह भी पूछी लेकिन उसका पारा सातवें आसमान पर था। ठीक है, ये फालतू चीज़ मत बोलिए मुझे। आप चिल्ला क्यों रहे हो? तेरे बाप देते हैं क्या? गैस यहीं पे था भैया, 1 मिनट दूरी था आपका ऑटो। आप चिल्लाइए मत और गाली मत दीजिए, ठीक है? ये फालतू चीज़ मत बोलिए मुझे। और क्या करती है? मैं पुलिस के पास जाऊंगी। आ जाओ, चल पुलिस के पास चल। क्या हो गया तो कर दिया? आप कैंसिल नहीं करते कभी हम लोग का राइड? आप लोग नहीं करते? कैंसिल किया है ना, तो हमारी क्या गलती हो गया? दो तो और क्या हो गया? रुक, आज चल पुलिस स्टेशन को। मैं क्यों जाऊँ? मेरी मर्जी, मेरे को जाना होगा मैं जाऊंगी, मेरे को नहीं जाना होगा नहीं जाऊंगी। मैं अलग पुलिस स्टेशन जाऊंगी, मैं आपके साथ क्यों जाऊँ? आपका फोन नंबर है, आपका गाड़ी नंबर है, हम कंप्लेन कर देंगे। थप्पड़ क्यों मारा मुझे? आपका फोन नंबर है, आपका गाड़ी नंबर है। इस दौरान घटना का वीडियो लड़की की दोस्त ने बना लिया। बाद में लड़की ने सोशल मीडिया पर ऑनलाइन ऐप को टैग करते हुए इस घटना की शिकायत की और वो वीडियो भी पोस्ट कर दिया। कहा सुनी और बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए ऑटो चालक आर मुथुराज को अरेस्ट कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। पिंडरा की एक महिला को अपने पेड़ से बेहद प्यार था। जब किसी ने उसका पेड़ काट दिया तो महिला से रहा नहीं गया, शिकायत करने पहुंच गई थाने और साथ में ले गई काटे गए पेड़ की टहनी। देखिए रिपोर्ट। देश भर में पेड़ लगाने का अभियान चल रहा है। खुद पीएम मोदी ने वृक्षारोपण का अभियान शुरू किया है लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो पेड़ लगाना तो दूर हरे भरे पेड़ को काट रहे हैं। इस महिला के हाथों में नजर आ रही ये टहनी ऐसी ही एक पेड़ की है। महिला ने पेड़ को अपने बच्चे की तरह पाला था, पेड़ को बड़ा किया था।
इसकी डालियों पर चिड़िया चहचहाती थी। महिला को ये पेड़ बेहद ही प्यारा था, लेकिन किसी ने पेड़ काट दिया, जिसके बाद कटे पेड़ की डाल लेकर महिला थाने पहुंच गई। जी हाँ, ये महिला पेड़ काटने की शिकायत लेकर थाने पहुंची है। मामला पेंड्रा का है। यहाँ बुजुर्ग महिला ने अनोखे अंदाज में पेड़ काटे जाने की शिकायत थाने में की। महिला को लगा कि शायद पुलिस को इसकी बात पर भरोसा ना हो, इस वजह से ये पेड़ की डाल लेकर थाने आ गई। कैसे आया पेंड्रा थाना? ए मोर पेड़ पौधा काट दे है, तेखर जानकारी दे लाए हूं। मऊहा पेड़ काट दहीस, सगली बांस ला काट दहीस। कौन काटे? ए नथुक बेटा। कौन लगा हूँ? वही जाके काटे है। हमार घर दूरा रोड टाटा है, देखिया कि सही आए कि लबारी आए। तुम्हें देख लई है भाई जाके? बाड़ी में लगाए रहा कि कहाँ? बाड़ी में लगा रहे हैं। ये महिला पेंड्रा थाना क्षेत्र के आमाडाड़ की रहने वाली है। इसका कहना है कि गांव में कब्जा कर रहे लोगों ने उसका पेड़ काट दिया। महिला पेड़ काटने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर लिया है और जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।